डैड मैं पानी पीने जाऊं। छोटू जब नन्ना बच्चा था तब वो बड़ी शरारत करता था। करते करते भूख लगी, उसकी माँ ने कहा खा ले बेटा मूंगफली। जी हाँ, जब उसकी माँ ने मूंगफली खाने को कहा तो छोटू ने नाराज होकर अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया। क्या मूंगफली उसको पसंद नहीं थी, या मूंगफली के बहाने उससे कोई और घिनौना काम कराया जा रहा था? व्यक्ति को जब किसी बड़ी दस्तक का आभास होने लगे तो उसको वक्त रहते संभल जाना चाहिए। लेकिन वो छोटा बच्चा कैसे उस आभास से प्रभास बन पाता, जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पेट्रोल। धन्यवाद सर। अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ? अरे भाई स्क्रिप्ट में इतना ही है। सर आप इम्प्रोवाइज कर लीजिए ना, हम शूट कर लेंगे। अच्छा वालो कैमरा। तो दोस्तों वक्त बदल चुका था। टाइम क्या हुआ? 2 बज रहे हैं। तो एक बजे शुरू किया था उन्हें। सर रिकॉर्डिंग चालू है। तो दोस्तों वक्त बदल चुका था, हालात बदल चुके थे, बेटा बदल चुका था, लेकिन बाप बाप वैसा ही था। यहाँ बाप और बेटा दारू पिए जा रहे थे और बेबी डॉल पर डांस किए जा रहे थे। सर लाइट से क्या खेल रहे हो, डायलॉग बोलो। जी हाँ, दारू पिए जा रहे थे और डांस किए जा रहे थे। हाँ, तो दारू पिए जा रहे थे और डांस किए जा रहे थे कि तभी छोटू को शर्म आती है, नहीं उसको आत्मग्लानी होती है, नहीं नहीं उसको बहुत जोर की सुसू आती है। और आपने सुना होगा जब गिद्ड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ दौड़ता है, और इसी तरह से छोटू भी शौचालय की तरफ भागा, और तभी उसके बाप का दिमाग जागा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आइए, अरे आइए इधर। दोस्तों जब हमें कोई दस्तक मिले तो हमें संभल जाना चाहिए, नहीं तो वो दस्तक एक बड़ी इमारत बन सकती है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाप पापी होता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।